हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट 7 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक गोल्फ बॉल है जिसका मास हमें गिवन है 40 ग्राम और इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 45 मीटर पर सेकेंड। हमने स्पीड को मेजर करना है विद एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो हमें यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो, मास है हमारे पास यहाँ पे 40 ग्राम, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 केजी। यहाँ पे मुझे वेलोसिटी गिवन है, मुझे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, तो वो हो जाएगा मेरे पास एक्यूरेसी परसेंटेज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे आएगा 2/100 × 45, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। मास भी गिवन है और यहाँ पे वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मैंने कैलकुलेट कर ली, तो मेरे पास पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी h/4πm∆v। सारी की सारी वैल्यूज देखो पुट कर रहा हूं मैं, h की वैल्यू है 6.626 × 10⁻³⁴। ये आ जाएगा 4 × 3.14। मास हमें गिवन है 0.04 और वेलोसिटी हमने निकाली है 0.9। ये सारी वैल्यूज मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा और फिर डिवाइड करूंगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 14.654 × 10⁻³⁴ मीटर। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।